संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आइए सीखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इतना होता है तो कहाँ से आता है, कैसे होता है इतना क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले बात चल रहा है समबाहु त्रिभुज का, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग दोस्तों जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। तो अगर इसको हम ए बी सी त्रिभुज मान लेते हैं तो ये तीनों भुजा जो होगी आपस में बराबर होगी। और इन भुजाओं को हम अगर मान लेते हैं ए, तो ये नीचे वाला भी हो जाएगा बी सी ए, आपका ए बी ए हो जाएगा और ए सी भी ए हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसकी लिखिएगा जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर, मान लीजिएगा कि ए सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा को हम ए सेंटीमीटर मान लेंगे। इसके बाद एक रचना करेंगे, अगर ए ए सेंटीमीटर है तो ये तीनों जो होगा आपस में बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं आप लोग ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ए बी बराबर होगा बी सी और बी सी जो होगा सी ए के बराबर होगा, यानी कि सी ए, और ये तीनों भुजा आपस में जो होगा ए सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, एक रचना कीजिएगा लोग, रचना में लिखिएगा ए से ए डी एक लंब गिराइएगा सीधा, यहाँ डी कर लीजिएगा। तो ये पूरा ए है, अगर आप ए से डी पर ए से बी सी पर ए डी लंब गिराते हैं तो दोस्तों ये पूरा ए भुजा है, यह जो हो जाएगा यह बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु हो जाने का मतलब है कि ए भुजा टोटल है बी सी, तो बी डी जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, और इधर भी ए डी सी जो होगा ए बाई टू हो जाएगा। तो रचना में लिखिएगा ए से ए डी लंब बी सी खींचा या डाला, लिख दीजिए डाला। इसलिए बी डी बराबर लिखिएगा बी सी लंब डाला, इसलिए यह जो भुजा हो जाएगी, इसलिए बी डी बराबर जो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा गुना बी सी, मतलब बी सी का हाफ हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं बी सी बाई टू लिख सकते हैं, बी सी का मतलब पूरा ए, तो ए बाई टू हो जाएगा आपका बी डी, और ये बी डी बराबर होगा डी सी के, दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा प्रमाण में, चलिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, जब लंब गिर रहा है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा दोस्तों, इधर भी बनेगा। तो कोई दोनों में से एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी, प्रमाण में चलिएगा, लिखिएगा दोस्तों क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर जो है 90 डिग्री है, समकोण है 90 डिग्री, समकोण लिख लीजिएगा समकोण। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है किसी समकोण त्रिभुज में, बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे बड़ी भुजा ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बड़ी भुजा ए बी है, ये आपकी दो छोटी भुजाएं जो है ए डी और बी डी है।
तो हमें ऊंचाई निकालना है, इसमें AD को निकालना है। तो ए बी स्क्वायर AD स्क्वायर को आप रोकिए या लिखिएगा AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर के इधर रुकते हैं हम, ए प्लस में BD स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, ये हो जाएगा आपको दोस्तों ए बी स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, या लिखिएगा AD स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है दोस्तों, AB का मान A है, भुजा A है तो A का स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस BD का मान कितना आया है, BD बराबर यहाँ पे आया है A बाई टू, तो A बाई टू को रख लीजिएगा और उसका स्क्वायर कर लेना है। तो यह हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A बाई टू का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो A स्क्वायर बटा दो दूनी चार हो जाएगा, यहाँ पे इसको हल कीजिएगा तो चार एक का एलसीएम निकाल लीजिएगा, चार होगा एक से यहाँ पे भाग लेगा चार मर्त में, चार में ए स्क्वायर से गुना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर एकम फोर होगा, फोर वन जा फोर और वन से ए स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ए आपको हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बटा फोर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ए डी निकाल लेंगे, इसलिए ए डी बराबर ए डी पर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर को बराबर को उधर भेजते हैं तो रूट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर बटा फोर हो जाएगा, स्क्वायर जो है इधर आकर इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका रूट निकालना है हम लोग को दोस्तों, तो थ्री तो थ्री रहेगा ए स्क्वायर में ए गुना ए बन जाएगा दो बार, और फोर का जो है टू इंटू टू हो जाएगा, तो जोड़ा लग रहा है किसका ए का, तो ए बाहर निकलेगा और एक टू का जोड़ा लग रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री वैसा ही रह जाएगा, टू नीचे आ जाएगा और दो ए में से एक ए निकल जाएगा, यानी रूट थ्री बाई टू इंटू ए हो जाएगा, रूट थ्री ए बाई टू हो जाएगा, तो इतना ये ए डी हो गया, ए डी जो हो गया समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई, इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। अब लिखिएगा इसके बाद, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी का, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो दोस्तों आधार एक बटा दो, आधार जो होगा आपका पूरा बी सी होगा तो बी सी दे दीजिएगा और गुना ऊंचाई ए डी आप निकाल लिए हैं तो ए डी यहाँ रख लीजिएगा, बराबर हो जाएगा एक बटा दो गुना बी सी का मतलब हो गया ए, पूरा ए है तो ए सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए डी का मान आ गया है दोस्तों रूट अंडर थ्री बाई टू ए, रूट अंडर थ्री और बटा दो गुना ए कर लीजिएगा, तो इसको गुना कर लीजिएगा रूट थ्री वन जा अंडर रूट थ्री है, वन से गुना होगा तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा यहाँ पर, और a में a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो अर्थात किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट थ्री बाई फोर भुजा स्क्वायर हो जाता है, यह प्रमाणित हो गया। अतः लिखिएगा, अतः समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट थ्री बाई फोर भुजा स्क्वायर, ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहाँ ए लिख दीजिएगा, जहाँ ए बराबर त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजा है ए, ए और ये तीनों बराबर होगा ये, तो यहाँ पे प्रमाणित हो गया। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।